शायद कुछ लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि शहरों के शोर से दूर इन वादियों में होने की फीलिंग क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गंगा चोटी, जो कि कश्मीर में है, और सुबह सुबह 6 बजे हम इस्लामाबाद से निकले हैं। इतनी शदीद गर्मी है इस्लामाबाद में कि पूछिए मत। हमने सोचा कि रुक के थोड़ी देर नाश्ता कर लेना चाहिए, तो हम लोग रुके एक जगह और वहाँ हमने मंगवाए अंडे, पराठे, अचार, चाय, और उसके बाद दोबारा हमने वहाँ पर शुरू किया। इतनी शदीद गर्मी, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे इतने हसीन नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत सरसब्ज तरह कि बंदा देखे तो देखता ही रह जाए। लेकिन क्योंकि हमने आगे भी जाना था गंगा चोटी, तो हमने सोचा ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम लोग आ गए गंगा चोटी। यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा, इतनी शदीद गर्मी से जब आप किसी अच्छी जगह आए तो मज़ा आ जाता है। आधे से ज़्यादा लोगों ने घोड़े करवा लिए, लेकिन हम तो हाइकिंग करने जाएंगे भाई, वो टॉप पे जाना है। अगर आप लोग हाइकिंग के शौकीन हैं ना, तो घोड़ों पे बिल्कुल सफ़र मत करिएगा। ये हम लोगों ने भी घोड़ों पे सफ़र नहीं किया, लेकिन 50-50 रुपए देके पिक्चर्स और वीडियोग्राफी ज़रूर करा लिए। ये सहूलत यहाँ पे मैसर है, आप थोड़े से पैसे देके बैठ के अपना पिक्चर्स वाला शौक़ ज़रूर पूरा कर सकते हैं। छः घंटे का सफ़र और आधे घंटे की हाइकिंग करने के बाद जो खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते हैं ना, यकीन जाने वो आपकी सारी थकन उतार देते हैं। इतनी खूबसूरत जगह कि आपका वापस आने का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप आएँ, इंजॉय करें और इन नज़ारों को अपनी आँखों में कैद करें। Thank you.
खासी ठंड लग रही थी और यहाँ चलते चलते फिर गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ऊपर आप मेरे पीछे क्लाउड्स देख रहे होंगे कि कितने अच्छे लग रहे हैं। ग्रीनरी बड़ा अच्छा प्लेस है वनडे ट्रिप के लिए। अगर कोई ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको नहीं मिल रही, फैमिली को लाना चाहते हैं, बच्चों को लाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है उसके लिए, वनडे ट्रिप के लिए। ग्रीनरी है, मौसम अच्छा है, गर्मियों में इधर का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ आपको, जून का महीना है लेकिन हमें ठंड लग रही है ऊपर, और फ्लू भी स्टार्ट हो गया है बाय द वे।